नुन्नू का गिरा हुआ पानी से गीला बिस्तर सुखाने वाला पाखंडी बाबा को जब एक लड़के ने गांड फटने वाली प्रश्न करते हैं, तब बाबा का हवा टाइट हो जाता है और बाबा का सटिया दिमाग टटिया बन जाता है। जो उस लड़के को जबरदस्ती पेड़ पकड़ने के लिए बोला गया और उस लड़के को इंसल्ट किया गया, उस लड़के के साथ पाखंडी बाबा ने मिसबिहेव किया। हमने बुलाया आपको जी। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर आज जी? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस है? पकड़कर मुझे लोकेशन चेंज करना पड़ा। तो ये है वो लड़का जिसे थल्लू बाबा ने उल्लू बना के भेज दिया। इसका नाम है हर्षित शर्मा, दिल्ली का रहने वाला, हिंदू सनातन धर्म से है। इसका यूट्यूब चैनल भी है मोजो स्टोरी। तो थल्लू बाबा ने हर्षित को उल्लू नहीं बनाया, हर्षित खुद उल्लू बना क्योंकि सड़े हुए अंडे को एक्सपोज करना था। उस दरबार के अंधो भक्तों को लगा पखंडी सड़े हुए टमाटो बाबा ने हर्षित के साथ सही किया। तो आइए जानते हैं हर्षित के साथ उस मंच पर क्या हुआ था, उस दरबार पर क्या हुआ था और हर्षित ने गीले अंडरवर को कैसे एक्सपोज करने के लिए कोशिश की। तो हर्षित उसके टीम के साथ धीरेन्द्र शास्त्री के इंटरव्यू के लिए पहुंचा फागेश्वर धाम दरबार में। दरबार पहुंचने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री के इंटरव्यू के लिए फागेश्वर धाम के टीम के जो लोग है उन लोगों के साथ बात होता है हर्षित की। फागेश्वर धाम के टीम के लोग हर्षित को बोलता है जो हमारी तरफ से जो आपको सवाल दिया जाएगा वही सवाल आपको करना पड़ेगा। तो हर्षित भाई का थोड़ा वीडियो क्लिप भी देख लीजिए क्या कहता है। आ गया कि जो सवाल हम आपको सौंपेंगे यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी की टीम हमको सौंपेगी, वही सवाल शास्त्री जी से साक्षात्कार में किए जाएं। तो हर्षित सब सब मना कर दिया और वहां से चला गया। हर्षित कहां से आया है, क्यों आया था, वो सब सारे फागेश्वर धाम टीम के लोगों से बात हो गया। हर्षित ने ये नहीं बोला था कि बाबा को एक्सपोज करेंगे, बस बाबा को इंटरव्यू देना था। अब ये बात नोटिस करके रख लीजिए क्योंकि गेम यहीं से शुरू होता है। अगले दिन हर्षित दरबार में पहुंचता है और दरबार शुरू होते ही हर्षित टोकता है और भोसड़ी वाला बाबा को चुनौती देता है कि इसी दरबार से मैं एक को बुलाऊंगा और उसी का पर्चा लिखना है आपको। अंधभक्तों के सामने जब हर्षित ने ये चुनौती दी तो बाबा का गंड फट गया, कान से धुआं निकलने लगा, सटिया बाबा का मुंह से टटिया निकलने लगा। बेवड़ा बाबा सोचा नहीं था कि एक 22 साल का लड़का मेरे मेल निकलने वाला रास्ते पे डंडा डाल देगा। जब बाबा ने देखा मैं मेरे अंधभक्तों से पिटने वाला हूँ, तब फर्सी बाबा ने हर्षित को ही बुला लिया स्टेज पे और हर्षित को सबके सामने इंसल्ट किया। भोसड़ी वाला बाबा जैसा बोला हर्षित वैसा ही करता गया क्योंकि बाबा को भड़काना था, बाबा का असलियत लोगों के सामने लाना था। बाबा ने हर्षित के नाम पे एक पर्चा लिख के रखा था पहले से ही, उसको स्टेज पे बुलाने के पहले से ही लिख के रखा था और वही सब लिखा था जो हर्षित ने फागेश्वर धाम टीम को बोला था। हर्षित पूरी तरीके से सटिया बाबा को घटिया दिखा नहीं पाया, पर कोशिश जरूर किया क्योंकि बाबा को फागेश्वर धाम टीम के जरिए पहले ही मालूम हो गया था कि हर्षित बाबा का गंड मैंने आया था। इसलिए हर्षित को स्टेज पे बुला के उसे इंसल्ट किया, उसके साथ मिसबिहेव किया और उसे कैसे भी वहां से भगा दिया गया। हर्षित के पर्चे पे क्या लिखा था आप खुद ही सुन लीजिए। इस पर्चे में एक भी जानकारी ऐसी एक्सक्लूसिव नहीं है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की टीम को मैंने या मेरी टीम ने एक दिन पहले नहीं बताई थी। तो यहाँ से भी हमें कहीं हद तक मालूम हो जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री एक पाखंडी बाबा है, ये बाबा के नाम पे ठल्लू है, कुछ ट्रिक लगा के माइंड रीडिंग करके पर्चा लिखता है और अंधभक्त सोचता है कि ये बालाजी का कृपा है। कई सारे चैनल पे बाबा को एक्सपोज किया गया कि धीरेन्द्र शास्त्री एक पाखंडी बाबा है, जो माइंड रीडिंग करता है, ट्रिक लगाता है, पर अंधभक्तों तो ये नहीं मानेगा। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री से मेरा कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, मैं इसलिए कड़क बोलता हूँ क्योंकि ये लोगों को पागल बना है। इसमें सड़े हुए अंडे का कोई दोष नहीं है, दोष है अंडा किसने फोड़ा। फागेश्वर धाम को हाईलाइट किसने किया, अंधभक्तों ने, उसने सिर्फ ट्रिक लगाया और अंधभक्तों ने पागल हो गए, टांग ऊपर लटका के सर नीचे झुका के उसका सेवा कर रहा। तो अंधभक्तों के लिए सड़े हुए टमाटो हाईलाइट हो रहा है, बस ट्रिक लगाओ और अंधभक्तों का अपना पागल बना। लोगों को कैसे अंधविश्वास के दरवाजे पे लेके खड़ा कर दिया। जो पढ़ा लिखा नहीं है, 26 साल का लड़का है, उसका ज्ञान कितना दूर है, लोगों को समझना चाहिए। इन सालों इतना अंधा है, दिमाग से, आंख से, हाथ से, पेट से, बॉडी लैंग्वेज ऑल साइड से अंधा है। न्यूज चैनल में कितने सारे वीडियोस देखा, इस बाबा को एक्सपोज किया है, ये पाखंडी बाबा झूठ है, ये बस माइंड रीडिंग करता है, ट्रिक लगा के पर्चा लिखता है, फिर भी अंधभक्त तो मानेगा नहीं, अपना गांड लेके बैंड मरवा रहा है। इसके ऊपर और भी वीडियो अपलोड होने वाला है, देखते रहिए समेक्स ब्लॉग्स फेसबुक पेज रिप्लाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखना, भाई को दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़। और लास्ट में आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, असम में क्या चल रहा है पता है? पै, 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 पै।